नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रशांत पांडे और आज हम बात करेंगे मेमोरी के मोटापा कनेक्शन के बारे में। आपका बढ़ता वजन आपकी याददाश्त पर बहुत बुरा असर डालता है। कई बीमारियां तो होती ही हैं, आपकी याददाश्त पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और अगर मोटापे के साथ डायबिटीज हो जाए तो मामला और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्या है मेमोरी का मोटापा कनेक्शन, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे आप मोटापे पर कंट्रोल रखें और क्या करें जिससे आप जो आपकी मेमोरी क्षमता है वो बढ़ती रहे और इससे आप दूर रहें। पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। कहते हैं मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। वजन बढ़ने के साथ आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा भी मोटापा अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है और अब ताजा रिसर्च में ये सामने आया है कि इससे आपकी याददाश्त पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोटापा शरीर के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग की सेहत के लिए भी घातक होता है। इससे सीखने की क्षमता और याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। अमेरिका की अगस्ता यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च में ये बात सामने आई। रिसर्चर्स के मुताबिक मोटापे से हमारे दिमाग की कोशिकाओं यानी ब्रेन सेल्स पर असर पड़ता है। दिमाग में एंडोथेलियल सेल एक दीवार की तरह काम करते हैं। एंडोथेलियल सेल खून का बहाव कंट्रोल करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक एंडोथेलियल सेल पर दो रिसेप्टर होते हैं, एडोरा 1A और एडोरा 2A। मोटापे के चलते रिसेप्टर एडोरा 2A अति सक्रिय यानी ओवर एक्टिव हो जाता है। ऐसा होने से दिमाग में खून का बहाव असंतुलित हो जाता है, इससे दिमाग कमजोर हो जाता है। दिमाग के उस हिस्से पर असर पड़ता है जो सीखने और याद रखने में मददगार होता है। मोटापे के साथ अगर डायबिटीज है तो मामला और भी खराब हो सकता है, यानी मोटापा आपकी दिमागी सेहत के लिए सही नहीं है। याददाश्त और मोटापे के संबंध पर एक और रिसर्च हाल में सामने आई है। रिसर्चर्स ने कोलीसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन पर स्टडी की है। कोलीसिस्टोकाइनिन मेमोरी बनाने में अहम भूमिका निभाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोलीसिस्टोकाइनिन शरीर में दो जगह पाया जाता है, छोटी आंत और दिमाग। यह हार्मोन दिमाग के हिप्पोकैम्पस एरिया में पाया जाता है। ये चीजों को याद रखने और मेमोरी बनाने में मदद करता है। छोटी आंत में मौजूद कोलीसिस्टोकाइनिन फैट और प्रोटीन को अब्सॉर्ब करता है। रिसर्चर्स के मुताबिक हम कब और कितना खाते हैं इसका संबंध हमारी याददाश्त से होता है। हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। अमेरिका की लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई ये रिसर्च न्यूरोबायोलॉजी ऑफ एजिंग जर्नल में छपी है। खानपान का हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ता है, लेकिन अब ये भी सामने आ रहा है कि इसका असर आपकी याददाश्त पर भी पड़ता है और जो लोग मोटापे का शिकार हैं उनकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी हाँ, इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और तमाम जो खास एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान हैं उनका परिचय एक बार मैं करा दूं। डॉक्टर अमिताभ वर्मा सीनियर डायरेक्टर हैं आप, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इसके साथ ही डॉक्टर विवेक बिंदल जुड़े हैं, आप वाइस चांसलर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ ओबेसिटी सर गंगाराम अस्पताल के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और इसके साथ ही हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वर्खा चुलानी भी जुड़ी हुई हैं। वर्खा जी, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले विवेक बिंदल, सवाल मेरा आपसे ही है कि मोटापे को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं, लेकिन ये जो रिसर्च है वो वाकई हैरान करती है। ये किसी ने नहीं सोचा था कि मोटापा इस हद तक आपके दिमाग को प्रभावित कर सकता है। क्या कहेंगे आप? लगता है तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से विवेक बिंदल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर अमिताभ वर्मा, मेरा सवाल आपसे भी वही रहेगा कि इस तरह की चिंता क्या थी मौजूद, क्या इस तरह के अलर्ट मौजूद थे जो इस रिसर्च में बात सामने आई है? आपका कहना सही है, ये रिसर्च सही डायरेक्शन में एक और तथ्य को फिर से कंफर्म करती है कि देर इज ए कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड इंटेस्टाइंस, दिस इज नोन एज एंटरो न्यूरोलॉजी, न्यूरो एंटरोलॉजी, राइट। तो जो कुछ हम खाते हैं तो ब्रेन में पहुंचता है, उसके कई रास्ते हैं। और यहाँ पे जैसे इस रिसर्च ने बताया, वो जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है ब्रेन में मेमोरी को कंसोलिडेट करने का, मेमोरी जब होती है हम लोग जो सुनते हैं समझते हैं पढ़ते हैं वो जाके
पहले सबसे पहले हिप्पोकैम्पस में आता है, फिर हिप्पोकैम्पस इज लाइक ए रजिस्टर जिसमें सब चीज़ें रिकॉर्ड होती है और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है कहाँ कहाँ पर जाना है उनको। तो इसी रजिस्टर में, इसी हिप्पोकैम्पस में जो डैमेज होता है वो कोलेसिस्टेकाइनन से तो बताया गया है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा भी कई और फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे भी रिसेप्टर्स होते हैं हिप्पोकैम्पस में, वो स्ट्रेस के कॉर्टिसोल हार्मोन को भी करते हैं। तो वहाँ पे जब डैमेज, उससे डैमेज हो जाता है तो आपस में जो डैमेज से, आप समझ लीजिए डैमेज ऐसा नहीं कि जैसे किसी ने कुचल दिया हो, वहाँ पे कोई भी सेल जो होते हैं ब्रेन के अंदर फंक्शनिंग जो है वो थोड़ा सा समझने की बात है। और वो समझने की इस तरह से बात है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं आपस में कनेक्ट होते हैं वायरस से, वायरस आपस में जुड़ते हैं सिनेप्सिस से, तो इस तरह की एक सर्किटरी बनती है। तो ये सर्किटरी मेमोरी की भी ऐसी ही होती है, और जब एक उसका अहम मुद्दा, अहम एरिया, किरदार जो है वो काम करना बंद कर दे या उस पर डिफेक्ट होने लगे, क्योंकि ये रिसेप्टर्स जो रहते हैं इस सिनेप्सिस के बीच के अंदर जो फंक्शन है उसको डैमेज कर देते हैं, चाहे वो कोलेसिस्टोकाइनिन है और चाहे वो बाकी कॉर्टिसोल है, और बहुत और कई फैक्टर्स हैं जो जैसे हाइपोक्सिया, सबसे अगर किसी भी कारण से अगर ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को कम हो, किसी भी कारण से कम हो, तो ये ब्रेन के सेल्स जो है हिप्पोकैम्पस के डैमेज हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर आपको बतलाना पसंद करूँगा कि ये जो ऑक्सीजन कमी है, ये जैसे आपने कहा डायबिटीज़ में तो है ही डायबिटीज़ के कारण, इसके अलावा ओबेसिटी में एक कंडीशन होती है जिसको OSA बोलते हैं जी, हाइपोवेंटिलेशन, सोते सोते ओबेस लोगों का उसमें काफ़ी ब्लॉकेज आने लगता है, ऑक्सीजन कम पहुंचती है। स्टडीज़ ने बताया 30 लाख लोगों को में इसकी 26% लोगों को मेमोरी चेंजेस शुरू हो जाते हैं, डिमेंशिया हो जाता है जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है जी, क्योंकि उनमें अगर ऑक्सीजन का एक सेचुरेशन इंडेक्स कम हो जाता है पर्टिकुलर, तो वो उनको हो जाता है। तो ये स्लीप को भी ओबेसिटी करवाती है, और जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिससे मेमोरी चेंज होती है और जिसको कि हम लोग ट्रीट करते हैं और देखते हैं अधिकतर, वो है एक्सरसाइज का ना होना। अब आप लोग सब लोग एक्सरसाइज को हार्ट से जोड़ के रखते थे, लेकिन आजकल न्यूरो हेल्थ का जमाना आ गया है, ब्रेन हेल्थ का जमाना आ गया है, उससे ये प्रतिपादित हुआ है, ये फैक्ट मालूम पड़ा है कि जब हम लोग चलते फिरते और एक्सरसाइज करते हैं खासकर, तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे जो कि ब्रेन के अंदर सेल्स को जाके जोड़ने में काम देते हैं, नए सेल्स बनाने में काम देते हैं, नए सर्किटरी बनाने में काम देते हैं, और जो सर्किट डैमेज हो रही है उस डैमेज को भी रोकते हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं। इसलिए वॉकिंग एक्सरसाइजिंग इज अ मस्ट नॉट ओनली फॉर द हार्ट बट ऑल्सो फॉर द ब्रेन, इक्वली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी सलाह, और वाकई जिस तरह से डॉक्टर अमिताभ आपने कहा है कि जाहिर सी बात है एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर विवेक बिंदल भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप वाइस चांसलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ओबेसिटी सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली के, बहुत बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सवाल वही है कि मेंटल हेल्थ को लेकर हाल फिलहाल जो अवेयरनेस जगी है उसमें ये फैक्टर बड़ा चौंकाने वाला है, मोटापे का ये जो दिमाग से कनेक्शन है ये वाकई हैरान करता है। क्या सिर्फ मोटापे पर कंट्रोल कर लेने से ही ये कंट्रोल में आ जाएगा या बाकी कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिन पर हमें नियंत्रण रखना जरूरी है? ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका जी बिजनेस का। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, और धीरे धीरे अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है और नई स्टडीज भी आई हैं कि ब्रेन फंक्शन डिमेंशिया, जिसको हम भूलने की बीमारी कहते हैं, हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंस, अटेंशन, इन सारी चीजों के ऊपर मोटापे का असर या बुरा असर देखने में आया है। हम अपने आसपास लोगों को देख रहे हैं, ज्यादा लोग अल्जाइमर्स के, डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं, और मोटापा अपने अलग अलग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से ये परेशानी ज़्यादा बढ़ा रहा है। हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो कुछ हार्मफुल चीज़ें हमारे ब्लड में से ब्रेन में नहीं जाने देता, परंतु मोटापे में वो ब्लड ब्रेन बैरियर डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसमें एक रिसेप्टर होता है जो क्रॉनिकली एक्टिवेट हो जाता है, उससे हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स डैमेज होते हैं। हमारे ब्रेन का एरिया हिप्पोकैम्पस जो डॉक्टर साहब रेफर कर रहे थे, जो प्रिंटिंग प्रेस की तरह है, ब्रेन का जो सारा
हमारी लर्निंग उसी के अंदर है, वो छोटा होता है मोटापे में। और देखा गया है स्टडीज के अंदर कि जो लोग मोटे हैं उनकी ब्रेन एज नॉर्मल लोगों से 10 साल ज्यादा है। इसका मतलब मोटापा ना केवल डायबिटीज कर रहा है, ना केवल ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, माइग्रेन कर रहा है, इनफर्टिलिटी कर रहा है, घुटनों में दर्द कर रहा है, हार्ट पे असर कर रहा है, परंतु ब्रेन फंक्शन के ऊपर भी उसका उतना ही खराब असर है जी। और मोटापे से बचाव, हमारे लाइफस्टाइल का बचाव इसमें बहुत ही हितकारी है। बिल्कुल, ये एक अहम सलाह है कि वाकई आपको कंट्रोल करना पड़ेगा मोटापा, वरना बाकी बीमारियों के अलावा मेंटल हेल्थ की जिस तरह से बात की जा रही है वो आपके काबू से बाहर की चीज हो जाएगी। डॉक्टर वर्खा चुलानी हमारे साथ मनोवैज्ञानिक भी जुड़ी हैं। डॉक्टर वर्खा, सवाल वही है कि इतना असर पड़ रहा है और मेरे ख्याल से बहुत सारे केसेस आप लोग के हर दिन नजर में आते होंगे, हाल फिलहाल ऐसा कोई केस जो आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं या इस तरह की मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल इलनेस को लेकर कोई बात सामने आई हो? तो जैसे दोनों डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन मोटापन से ब्रेन का असर कैसे होता है वो एक चीज होती है, बट साइकोलॉजिस्ट के नाते मैं बता सकती हूं कि मोटापन से बहुत सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि आज मैं एक लड़की को देखी जो करीब 120 किलो की है, वो ऐसे अपने आप के बारे में सोचती है कि उसको अपने आप से एकदम नफरत है, वो अपने आप को एकदम पसंद नहीं करती है और उसको उसकी चाहत है कि वो अपने आप को मतलब सुसाइड करके मार दे, क्योंकि वो इतनी परेशान है अपनी वेट से। तो द वेट इज नॉट ओनली अफेक्टिंग द ब्रेन डायरेक्टली बट क्रिएटिंग लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल डैमेज, कॉन्फिडेंस बोलिए, सोशलाइजिंग बोलिए, जनरल ओवरऑल कॉन्फिडेंस बताइए। आप देखिए कि कहां कहां ये ओबेसिटी करके लोगों के बीच में आ रही है, लोगों के हैप्पीनेस में आ रही है। जैसे डॉक्टर ने बताया कि एक्सरसाइज से न्यूरोट्रांसमीटर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और वो एंडोर्फिन्स हैप्पी हॉर्मोन्स है। तो आप बहुत टाइम देखेंगे कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत ओबेस हैं, बहुत मोटे हैं, उनका डिप्रेशन का अगर आप टेस्ट लेंगे तो आप देखेंगे कि उनका डिप्रेशन स्कोर्स भी थोड़ा ज्यादा होगा आम आदमी के हिसाब से। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारा मोटापन बहुत साइकोसोशल एस्पेक्ट्स के इलाके में भी बहुत डैमेज कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर वेट इन चेक, वी लुक आफ्टर आवर हेल्थ। क्योंकि अगर हम सब हैप्पीनेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने आप को संभाल के ही आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि टू बी हैप्पी मींस टू हैव गुड हेल्थ। और जितना गुड हेल्थ होगा, मेमोरी के हिसाब से, सोशलाइजेशन के हिसाब से, कॉन्फिडेंस के हिसाब से और साइकोलॉजिकल वेलबींग के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत हमें इम्पोर्टेंस देके आगे लेना है। एंड आई थिंक वी नीड वेरी आई थिंक वी ऑल नीड टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंटली एंड एक्सट्रीमली वेल फ्रॉम हियर ऑन। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सलाह है कि आखिर आपका शरीर है और जिस तरह की भी परेशानियां होती हैं वो किस तरह से मानसिक तौर पर आपको नुकसान पहुंचाती, किस तरह से आप मेंटल हेल्थ के मामले में वीक होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर अमिताभ, जब दिमाग का मामला आता है तो जाहिर सी बात है इलाज में रिस्क वाला फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, क्या जब इस तरह की परेशानी बढ़ती है तो इसमें कितना वक्त लगता है उभरने में, या इसके ट्रीटमेंट का क्या कुछ खर्चा है, कितना वक्त लगता है इस ट्रीटमेंट में, या वाकई बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर फिर से रिकवरी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल ही चेंज करनी पड़ती है। ठीक, और उसमें खर्चा नहीं लगता है, उसमें आपके शरीर रोज खान पान के तरीके को चेंज करना पड़ता है और एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ये बीमारी जो शुरू से हो जाती है और जो बहुत धीरे धीरे करके बढ़ती है, इस बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये हर साल जो अर्ली मेमोरी चेंजेस होते हैं, हर साल करीबन 20% लोग जो रहेंगे वो चेंज होते जाएंगे एक सीरियस बीमारी जिसको अल्जाइमर्स कहते हैं उसके तरीके से। ठीक, अगर हमारे सोसाइटी जितने आपको ओबेस लोग हैं उनमें से काफ़ी हायर लोग मेमोरी चेंजेस में जाएंगे, तो इसलिए अर्ली रिकॉग्निशन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। देन सेकंड थिंग कम्स अप ट्रीटमेंट, एज यू सेड, ट्रीटमेंट
फर्स्ट वी हैव टू एस्टैब्लिश व्हाट टाइप ऑफ डैमेजेस हैव बीन कॉज्ड. ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ हिप्पोकैम्पस नहीं, बाकी कई और एरियाज भी होते हैं जो चेंजेस होते हैं. उन चेंजेस को देखना पड़ेगा अपने को, और उस चेंजेस को देखने के लिए हमारे मैक्स हॉस्पिटल में कई तरह के इन्वेस्टिगेशन है, जैसे पेट स्कैन वगैरह भी हम लोग कर लेते हैं. ठीक, ठीक. तो उनको देख के मालूम पड़ जाता है कि कौन सा एरिया कम हो गया, सिकुड़ गया है. तो दवाइयाँ उनके लिए हैं, रिसेप्टर्स को ठीक करने के लिए दवाइयाँ हैं, जो रिसेप्टर डैमेज हो रहे हैं उनके लिए भी कुछ दवाइयाँ शुरू हो गई हैं. और वो तभी असर कर पाती हैं जब बीमारी शुरू शुरू हो रही हो. तो यहाँ पे बीमारी है मोटापे की, तो कॉज है मोटापा, तो मोटापे को कम करना है. और मोटापे को कम करने के लिए हमको कई और फैक्टर्स को ध्यान रखना है जैसे बताया गया है. लेकिन यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही बताया था जैसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई छोटा सा स्ट्रोक होता रहता है हार्ट डिजीज में. बिल्कुल. ओबेसिटी आपको हार्ट डिजीज कराएगी, ब्रेन में छोटे छोटे स्ट्रोक होंगे, वो भी मेमोरी चेंजेस कराएंगे, तो उनका भी ट्रीटमेंट. तो इट इज नॉट लाइक वन टू वन ट्रीटमेंट, इज अ मल्टी फैक्टोरियल ट्रीटमेंट वी हैव टू सी. और कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे थायराइड का हार्मोन, वो कभी कभी ब्रेन के सेल से एक्ट कर जाता है, और एक्ट करके आपको सुन के अच्छा होगा थायराइड के पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा होता है. और जो मोटापे के लिए कुछ लोग पहले कॉज बोलते थे कि थायराइड डिजीज भी है, जो उतना पाया नहीं जाता है लेकिन देखते जरूर हैं उसको. तो कहने का ये मतलब है कि हमको कई फैक्टर्स उनको देख के उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर फैक्टर को देखते हुए. सबसे पहले ब्रेन के अंदर के सेल्स जो वीक हो रहे हैं, उन सेल्स के अंदर ताकत देने के लिए जो उनके एनर्जी फैक्ट्री होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उन फैक्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करना है हर सेल को, ब्रेन सेल के, तो मेमोरी चेंजेस ठीक हो गए. ये माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग ओबेसिटी में कम होती है, ओबेसिटी में डिफेक्टिव रहती है. तो ओबेसिटी को कम करिए, माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाने के लिए चेंज करिए. जो सिनेप्सिस हैं, जो जोड़ हैं जिनको मैंने बारे में बताया था, उनको इम्प्रूव करने के लिए रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करने वाली दवाइयों को दीजिए. ये इस तरह का तरीका, एक पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है, प्रोटोकॉल होता है, मैनेजमेंट का प्लान होता है. बिल्कुल. प्लान के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है. और एक बात जो सबसे खास तौर पर समझ में आ रही वो यही है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल, जिस तरह से आप जिंदगी जी रहे हैं, उसमें थोड़े थोड़े बदलाव जरूर करने पड़ेंगे. आप सभी हमारे साथ बने रहिए. और आज हम आपकी खबर आपका फायदा में बात कर रहे हैं आपके मेंटल हेल्थ की, किस तरह से मोटापा आपकी याददाश्त, आपकी सीखने की क्षमता को लगातार प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में एक रिसर्च आई है और इसी पर चर्चा कर रहे हैं. हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विवेक बिंदल, डॉक्टर विवेक बिंदल, डॉक्टर अमिताभ वर्मा और डॉक्टर वर्खा चुलानी भी हमारे साथ. डॉक्टर वर्खा, एक सवाल ये है कि जिस तरह से प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस बात का जिक्र हुआ था कि अल्जाइमर्स तक की स्टेज आ सकती है, इस तरह का इफेक्ट मोटापे का पड़ता है और मेंटल हेल्थ पर इसका इस कदर बुरा असर पड़ता है, और कौन कौन से इफेक्ट मेंटल हेल्थ के लिहाज से पड़ते हैं जो आपकी नज़र में आते हैं? तो डिमेंशिया, अल्जाइमर्स वगैरह, एक है वो न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन जो कहते हैं, बट मैंने देखा है कि मेरे प्रैक्टिस में जितना मोटापन होता है उस रिलेटेड एसोसिएटेड अगर डिसऑर्डर्स बोले तो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन होता है, और अवॉइडेंट डिपेंडेंस या अवॉइडेंट डिसऑर्डर होता है जहां लोग हट जाते हैं सोशलाइजिंग करने से, डरते हैं सोशलाइजिंग करने से, शर्म होता है. और जैसे डॉक्टर अमिताभ वर्मा ने कहा था, ट्रीटमेंट के अलावा माइंडसेट ऑल्टरेशन के लिए मैं सजेशन देना चाहती हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हम क्यों ठहरते हैं मोटापन को हटाने के लिए? हम पहले से ही एज पेरेंट्स हमारे बच्चे को, हमारे अपने आप को बाहर एज अ कल्चर अगर आप देखिए, इंडियन कल्चर इज अ वेरी लेजी, लेथार्जिक, स्लॉथफुल कल्चर. हम बाहर जाते नहीं है, हमारा पूरा ध्यान टीवी पे होता है या आईपैड पे होता है या फोन पे होता है. तो मेरा कहना है कि ये सब ट्रीटमेंट अगर आप जाना आपके उसकी तरफ जाएंगे तो मतलब आप देख रहे हैं कि कोई सॉल्यूशंस हमें मतलब बेरियाट्रिक सर्जरी से, गैस्ट्रिक सर्जरी से वो सब करने हैं, बट एक्चुअली माइंडसेट बदलने के लिए हमें एटीट्यूड बदलना पड़ेगा कि हमें अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसंस वगैरह जो मोटापन से होता है हमें वो नहीं चाहिए. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें हमारे लाइफस्टाइल, हमारे माइंडसेट, हमारे बहुत आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाने होंगे, और उसके हिसाब से स्कूल्स, जो स्कूल्स एक्टिविटीज सिखाते हैं, पेरेंट्स जो फैमिलीज में संडे को एक्टिविटीज करते हैं, दे विल हैव टू बी मोर आउटर सेंट्रिक एंड मोर एक्टिविटी रिलेटेड, ताकि हमारा मोटापन आए ही नहीं.
बिल्कुल डॉक्टर विवेक, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बात हो रही है तमाम बीमारियों की और जिस तरह से मोटापे का असर आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है, उसमें क्या सर्जरी तक की भी स्टेज आ सकती है? और चूंकि अगर दिमागी तौर पर जब सर्जरी की बात आती है या मेंटल हेल्थ पर जब सर्जरी की नौबत आती है तो रिस्क फैक्टर अपने आप बढ़ जाता है, बहुत संवेदनशील मामला हो जाता है, तो जरा इस पर रोशनी चाहूंगा आपसे। हाँ, हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। बेरियाट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी मोटापे के लिए और उसके साथ जुड़ी हुई बीमारियों के लिए की जाती है, जिसके अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें जो मोटापे के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं, ये भी इस सर्जरी के बाद ठीक हो जाती हैं। अपने पेशेंट्स के अंदर हमने बहुत पेशेंट्स में अटेंशन स्पैन का लॉस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से मेमोरी में फ़र्क, इंटेलिजेंस में फ़र्क मोटापे के साथ देखा है, स्पेशली यंग लोगों में। यंग मीन्स 18-20 ईयर्स, 30 ईयर्स के जो लोग हैं, जो 125-150-200 किलो तक हो चुके हैं, उनका ओवरऑल मेंटल शार्पनेस, अटेंशन, मेमोरी, इन सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो जॉब, उनका जो काम है वो सफ़र करता है और वो अपने करियर के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते जी। जब हम इनकी बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, जो हम रोबोट से करते हैं, लेप्रोस्कोपी से करते हैं, उसके बाद ये सारे फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, क्योंकि वेट लॉस के साथ उनका स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है, उनका जो ओबेसिटी रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो कम हो जाते हैं और उनकी ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग बहुत बेहतर हो जाती है जी। जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उनको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, जो बॉडी इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी ठीक होती हैं और उससे उनका करियर, उनका प्रोफेशन, उनकी शार्पनेस, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी मेमोरी, हर चीज हमने इम्प्रूव होते हुए देखी है एंड इट इज प्रूवन इन मेनी स्टडीज ऑल्सो। बिल्कुल। एंड रिगार्डिंग रिस्क, आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी राइट नाउ। अब रोबोटिक सर्जरी से और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से विद एक्सपीरियंस इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, बट ओनली दोज पीपल हु रियली नीड इट, जिनको जरूरत है उन्हें ही ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। बाकी लोग डाइट से, लाइफस्टाइल चेंजेस से या तो इसका बचाव करें या इसका इलाज करें। बिल्कुल, बहुत अहम सलाह है आपकी। और डॉक्टर अमिताभ, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से आप अपनी बात में खास तौर पे ऑक्सीजन का बड़ा जिक्र कर रहे थे, और हम बार बार कई बार मामलों में देखते हैं कि कहा जाता है कि प्रॉपर ऑक्सीजनिंग, चाहे माइग्रेन के केस में हो, चाहे बाकी मेंटल हेल्थ के केस में हो, बहुत ज़रूरी होती है। तो ये कितनी ज़रूरी है और क्या हमारी लाइफस्टाइल में, या हम लगातार जब एक ही पोस्चर में बैठे हैं या लगातार काम कर रहे हैं, तो क्या ये ब्रीदिंग भी प्रभावित हो रही है? देखिए, आपने जो कहा है वो बहुत बहुत सही है, और इस बारे में बताना पसंद करूंगा कि ऑक्सीजनेशन जो है वो सिर्फ हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजनेशन नहीं बात करेंगे, नॉर्मल जो हमारे फिजियोलॉजी नॉर्मल है, जो हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, उससे ऑक्सीजन पहुंचती है। इसके अलावा मोटापे पे कुछ और चीज़ें हमने बताई हैं, लेकिन ऑक्सीजनेशन का जहाँ तक सवाल है, ये एक्सरसाइज से बेटर करेक्ट होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक्सरसाइज हमको करना चाहिए, और मैं अपने पेशेंट्स जो एडवाइस करता हूँ, मैं उनको प्राणायाम भी बतलाता हूँ, मैं उनको मेडिटेशन के भी कहता हूँ, विच ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव ऑल अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द मेडिकेशन। सो उसमें प्राणायाम में भी आप ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं ब्रेन के, आप वॉकिंग में, खासकर फ्रेश एरिया में, पार्क्स वगैरह में वॉकिंग करें तो वो भी आपको इम्प्रूव करेगा। डाइट में भी आपको ऐसे एंटीऑक्सीडेंट वाले डाइट लेना चाहिए जो कि ब्रेन के सेल्स के एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करें और जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाए। इसी तरह पेट की कई बीमारियों में, अब जब जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन से कनेक्शन होता है, तो कई एंटीबॉडीज ब्रेन से निकल के अंदर, पेट से निकल के ब्रेन में पहुँचती हैं और ब्रेन के सेल्स को फिर वो सोलन कर देती है, और सोलन ब्रेन सेल्स जो रहते हैं, जिनको हम एंजाइटिस बोलते हैं या आर्थराइटिस बोलते हैं, वेस्कुलाइटिस बोलते हैं, वो ब्रेन को अटैक करती हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट दूसरा होता है। तो हमको मल्टीफैक्टोरियल देखना पड़ता है, और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सोने को, जो लोग मोटे लोग रहते हैं वो सो नहीं पाते हैं, उनको खुर्राटे, जिनको आप खुर्राटे कहते हैं, उनकी सांस रुकती रहती है, उसको सांस रुकने से डे टाइम भी ज़्यादा सोते रहते हैं, वो रात को नहीं सो पाते हैं, तो वी कॉल इट एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। तो उसमें भी इनका, उस कंडीशंस में भी जिनको ऐसा हो रहा है, ये निश्चित पाया गया है कि 20% से ज़्यादा लोगों को मेमोरी के काफ़ी सीवियर चेंजेस शुरू हो जाते हैं।
ठीक, बहुत 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 अहम बात डॉक्टर अमिताभ वर्मा ने बताई है और समय कम है। डॉक्टर वर्षा चुलानी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके पास महिलाएं और पुरुष दोनों तरह के लोग आते होंगे और अपनी बातें रखते होंगे, ज्यादा क्या, किस ओर ज्यादा परेशानी बढ़ रही है या क्या ज्यादा आपको चिंता वाली बात नजर आती है? तो एक साइड आप देखिए कि हम हर टाइम सेल्फी ले रहे हैं और ब्यूटीफुल और हैंडसम दिखना चाहते हैं, और एक दूसरे साइड में है कि हम इतना अपने आप से नफरत करते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट हाउ वी आर लुकिंग आफ्टर आवर बॉडीज, वी आर नॉट स्लीपिंग इनफ, एज डॉक्टर वर्मा अगेन सेड कि जितना हम नींद अच्छी तरह से करेंगे उतना हमारे ऑक्सीजन अपने ब्रेन को पहुंचेगा एंड इतना अलर्ट, अटेंटिव और तंदुरुस्त हम होंगे। तो ऑन वन हैंड वी आर ट्राइंग टू लुक प्रिटी, बट ऑन द अदर हैंड वी आर एक्चुअली इल। टू सी द पैराडॉक्स और ये कॉन्ट्रास्ट जैसे हम कहते हैं इतना महत्वपूर्ण है कि हम सिर्फ फोटो के लिए अच्छा लगना चाहते हैं बट एक्चुअली अंदर जो हमारे शरीर में हो रहा है वी आर एक्चुअली नॉट बॉदर्ड एट ऑल। तो जैसे आप देखेंगे आगे 10 साल में आप देखेंगे कि यंगस्टर्स का इलनेस एकदम बढ़ने वाला है और अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स एडमिट होंगे और बीमारियां होंगी और मेडिसिन्स होंगे और ऑफकोर्स डॉक्टर्स का काम बढ़ेगा, पर उस हिसाब से हमारा कंट्री का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये जो हम कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली, वाकई चिंता की बात है जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से हम दिखना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन उसके पीछे आखिर हमारी मेंटल हेल्थ किस कदर है वो हम नहीं सोचते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर विवेक बिंदल, डॉक्टर अमिताभ वर्मा और डॉक्टर वर्षा चुलानी आपका, कि इस अहम टॉपिक पर आपने अपनी बात रखी और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को इससे तमाम फायदा हो और कम से कम आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।